नमस्ते अंकल। नमस्ते जी, कैसे हो? बहुत अच्छे हैं प्रदीप जी। श्रवण कुमार है मेरा नाम जी। मैं सॉरी कोई बात नहीं, मैं कई बार जो है आपके वीडियो देखता रहता हूँ। हाँ, तो वो कभी प्रदीप का जाता है, कभी श्रवण कुमार का जाता है, तो नाम जाते हैं ना, नाम में कंफ्यूजन है थोड़ी सी। और कैसे हो? बहुत अच्छे हैं, एकदम अच्छे हैं। आपके बारे में तो काफी सुना है, और आप एक तरफ से देखा जाए तो पुराने ब्रीडर भी है। हाँ, सभी भाइयों के सहयोग से बिल्कुल बिल्कुल काम करता रहता हूँ। नहीं बिल्कुल, आपका काम बहुत अच्छा है। मुझे एक दो ने सजेस्ट भी किया था कि आप कभी अगर एमपी की तरफ जाते हो तो उनका फार्म जरूर छूट करे। जी हाँ प्रदीप भाई, क्योंकि उनके राजस्थान के सभी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और कोई कंट्रोवर्सी में मैं कभी नहीं पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो सर, मैं तो आपको जानता ही हूँ, फिर भी आप एक बार आपका आज अपने व्यूअर्स जो देख रहे हैं वीडियो, हाँ जी, हाँ जी, उसको अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए जरा। मैं भाई साहब एमपी बड़वानी से हूँ। ओके। और मेरा नाम तसव्वुर मिर्ज़ा है। ओके। मेरे फार्म का नाम अयाद स्टड फार्म है। अयाद स्टड फार्म। हाँ, और ये करीब 18 हॉर्स है। अच्छा, मतलब टोटल 18 हॉर्सेस है, जिसमें 3 मेरे पास स्टेलियन थे। ओके। और उसमें एक अभी कुछ दिन पहले एकदम जो था मेरा वो भगवान को पसंद आ गया और उन्होंने बुला लिया। अच्छा, क्या नाम बताया उसका? एडम। एडम रिटर्न्स था उसका नाम। अच्छा अच्छा, नाग का बेटा था। ओके ओके ओके। उसकी माँ मेरे फार्म पे ही है। मतलब एडम रिटर्न्स उसका नाम रखा नाम था रखा आपने था। तो मतलब रिटर्न्स का रखने का मतलब जैसे एडम था वैसा वो ही था वो? पंजाब के अपने, मैंने एडम ही नाम रखा था। अच्छा अच्छा। लेकिन पंजाब के अपने भाई जितने भी थे ब्रीडर, वो सबका अनुरोध था कि यार एडम जो है वो फेमस घोड़ा था, इसका दादा होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिर्ज़ा साहब इसके आगे पीछे आप कुछ लगाइए, तो उन सबके सहयोग से, उन सबके सलाह से उन्होंने ही फिर इसका नाम एडम रिटर्न्स कर दिया था। ओके ओके। तो मेरे को सर आंखों पे था, सब भाइयों के साथ अपने अच्छा, को काम करना है, लेकिन वो भगवान को प्यारा हो गया। भगवान को प्यारा हो गया अभी 20 ये पुष्कर मेले के पहले। अच्छा अच्छा। मेरे को पुष्कर भी उसको ही लेके आना था, लेकिन भगवान की मर्जी नहीं थी, पुष्कर मेले पहले बुला लिया उसको। हाँ, उसको बुला लिया। अच्छा, जैसे एक तो आपके पास में एडम हो था। हाँ, एक एडम था और एक ये राजदीप है। अच्छा अच्छा। इसका बाप दिलशान है। दिलशान सर आलिशान है। ओके, ग्रैंड सर आलिशान हो गया। वो सभी लोग जानते हैं दिलशान को, फुल सिंह जी का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसकी मदर जो है वो पिंटू भाई देगाना वालों के पास है, ज्योति। अच्छा, ज्योति नाम की। ज्योति नाम की। मतलब तो, अच्छा, तो ये ब्रीड वही हुआ है देगाना वालों के यहाँ? ये ब्रीड हुआ था एक्चुअल में इनके यहाँ, फुल सिंह जी के यहाँ। अच्छा, जायल फुल सिंह जी के पास थी वहाँ नागौर में, फुल सिंह जी के पास। और वहाँ से वो घोड़ी फिर पंजाब ले गए थे वो तारी भाई शो के लिए। ओके ओके। तो वहाँ मुक्सर में सेकंड आई थी वो। अच्छा अच्छा। और फिर वो घोड़ी उन्होंने वो जो गोल्डन स्टार के ऑनर थे उनको दे दी थी, तो उनके यहाँ ये जन्मा था। अच्छा, वहाँ ब्रीड हुआ था। और मेरी घोड़ी वहाँ क्रॉस के लिए गई थी उनके यहाँ गोल्डन स्टार के लिए। ओके ओके। सारंगी, तो वहाँ फिर ये मेरे को पसंद आ गया था और उन्होंने फिर 3 महीने का मैं ले आया था। अच्छा, आपने जो नाम लिया अभी सारंगी जी, वो काफी सुना है लोगों से मेरे भी सारंगी के बारे में। सारंगी यहाँ 2 बार की विनर है यहाँ सारंगखेड़ा में। हाँ, और घोड़े की तरह घोड़ी है वो, 66 इंच हाइट है उसकी। 66 इंच। हाँ जी। अच्छा, और मारवाड़ी में है? मारवाड़ी है। अच्छा अच्छा। 66 इंच हाइट है। और फिर बाद में क्या हुआ कि अपने गुजरात के सभी भाई हैं वो भी सब ब्रीडर, उन्होंने 2017 में फिर कहा कि यार अब हमेशा अगर इसको उतारेंगे बिल्कुल, तो फिर हमारे घोड़े कब लगेंगे, बाकी घोड़े कहाँ जाएंगे। और बिल्कुल वाजबी भी थी बात। दादा ने फिर मुझे कहा कि मिर्ज़ा साहब अब 2 साल की विनर है, तो फिर हम लोग उसको डेमो करके। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और आपने एक्सेप्ट की दादा की बात, वो सबसे बड़ा दिल वाला होता है सबसे बड़ी मेरे ख्याल से। और सब ब्रीडरों की भी बात, सभी भाई। बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, वो भी सभी घोड़े अपने अगर अपना मानो तो। बिल्कुल सही है। और मेरा भैया किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता, कोई कंट्रोवर्सी नहीं रहती। शौक है बस, शौक से धीरे धीरे बढ़ गए। बस शौक बरकरार रख रहे हो आप? बरकरार है बस। ये आपका दिलशान का, ये दिलशान का बेटा है, राजदीप रखा था मैंने इसका नाम, राजदीप। हाँ, अभी काफी अच्छे रिजल्ट हैं इसके। अच्छा अच्छा। मेरे यहाँ एक बच्ची घर खड़ी है, अभी आने वाली है। अच्छा, इसी की? हाँ, और 2 बेटे इसके यहाँ आए हुए हैं। अच्छा अच्छा, इसी के हैं? इसी के। क्या एज है इसकी अभी? ये 5 साल का हो गया। 5 साल का? हाँ, पूरा हो गया। अच्छा, और क्या हाइट होगी इसकी? ये 63.5 है अभी। 63 प्लस? हाँ, 63.5 है। अच्छा अच्छा।
तो इसको नहीं उतारा आपने कहीं रिंग शो में? नहीं, इसको यहीं उतारा था मैंने। अच्छा। तो मिल्टीत में ये फर्स्ट रनर अप रहा था। अच्छा जी, यहाँ सारंगखेड़ा में जी 2017 में ही। 2017 में हाँ, फर्स्ट रनर अप रहा था मिल्टीत में। जी हाँ जी। ओके ओके, तो इस बार ये 2021 में आपका क्या है विचार इसका उतारने का है? अभी देखेंगे, डिस्प्ले तो जरूर करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिस्प्ले तो जरूर करेंगे। चलो डिस्प्ले तो पक्का हुआ। हाँ डिस्प्ले तो रिंग के लिए दिखाएंगे, वैसे तो रिंग के लिए भी पक्का ही है। हाँ, पर डिस्प्ले के लिए तो पक्का हुआ है। डिस्प्ले तो करेंगे, डिस्प्ले तो करना ही पक्का। बहुत ही खूबसूरत आपका ये घोड़ा है, काफी अच्छा है। इसकी माँ, इसकी दादी जो है वो भी काफी अच्छी घोड़ी है, जो उनके पास अपने स्वरूप सिंह जी जो कलंदरी में है उनके पास है लक्ष्मी घोड़ी। अच्छा 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 अच्छा, तो इसके जैसे काफी अच्छा इसके पेरेंट्स से चले आ रही खूबसूरत। बिल्कुल, इसकी पेडिग्री जो मजबूत है, मतलब मजबूत पेडिग्री का है। ओके, इसके मार्किंग है और मार्किंग भी खूब अच्छी, कान खूब अच्छे, कान भी खूब अच्छे हैं इसके, सीना पुट्ठे सभी जो मारवाड़ी कैरेक्टर होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राजस्थान के जो हमारे सीनियर ब्रीडर्स हैं वो उनका कहना है कि मारवाड़ी की डेफिनेशन कुकड़ नाड़ नगाड़ा पुट्ठा। अरे वाह, क्या बात तो कही आपने। कुकड़ नाड़ का मतलब कि भाई वो मुर्गे की तरह गर्दन और नगाड़े की तरह पुट्ठे, वो होना चाहिए। हाँ, तो ये इसमें सब कुछ है। मतलब सर्वगुण संपन्न इसको बोल सकते हैं, ऐसे ही पाल रहे हैं भैया। बहुत ही अच्छा, सभी घोड़े अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, की सबसे बेस्ट है अपने घोड़े, सबके सबसे बेस्ट है। मैं जितने भी मेरे भाई घोड़े पाल रहे हैं सभी अपने हैं, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। सबको भगवान अच्छा रखे। बिल्कुल सही है, उन ब्रीडरों को भी खूब समझ दे, खूब अच्छे पाले। अच्छा सर, इसका ये इसका एक बेटा है, इसी का बच्चा है ना? जरा पकड़ ले, इसी अपने इसका ही बच्चा है, इसी का बेटा है। ओके ओके, जरा सा धीरे से पकड़ दे। ना ना रेणु, तो इसको बस आजा पकड़। ये जो मेरा घोड़ा छूट गया, एडम, अच्छा ये माँ की तरफ से उसका भाई है। अच्छा, माँ की तरफ से? हाँ, माँ की तरफ से। इसकी माँ राजहंस की बच्ची है। अच्छा। और बादल साहब के पास जो घोड़ा है, बादल स्टेट फार्म के, पंजाब, पंजाब। इसकी माँ उसकी है और इसका बाप राजवीर है। बाप इसका राजवीर हो गया। ये 13 महीने में 59.5 है अभी। हाँ जी। अच्छा, 13 महीना एज हुई है इसकी। 13 महीने में 59.5 है। मार्किंग इसके एक पैर पीछे का वाइट है, पीछे का है और माथे पे मुंह पे तिलक है। इसका क्या नाम दिया आपने? इसको त्रिकाल। त्रिकाल, ऐसा नाम महाकाल के नाम पे दे दिया, त्रिकाल। अच्छा, महाकाल जी हमारे करीब ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, किलोमीटर पे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, देश के कई भाई दूर दूर से वहाँ दर्शन करने आते हैं, तो मैंने कहा अपन भी बिल्कुल बिल्कुल कम से कम अपने मुंह पे नाम रहे, नाम तो रहे, तो इसका तो ये कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, इसको पुकारोगे तो भगवान का नाम अपने आप याद आ जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी भगवान से कम नहीं है। हाँ, ये भी अश्व भी कम नहीं है, रेवत जी का सब। बिल्कुल बिल्कुल, सभी पे बनी रहे। बहुत ही खूबसूरत आपका ये बच्चा है, 13 महीने का, खूब अच्छा है और अच्छी हाइट भी कर रहा है अभी ग्रोथ। एक बच्चा इसका वो है। अच्छा, वो भी इसी का ही है? वो इसी का बच्चा है। तुम बैठो, ये श्रवण जी लगभग 19 महीने का है अभी। हाँ जी ठीक है। इसकी माँ सारंगी है, जो दो बार की यहाँ चैंपियन थी। अच्छा अच्छा, वो इसकी माँ है और बाप यही राजदीप है। अच्छा, ये तो मतलब बाप की कॉपी है, पट्टा तो पूरा पट्टा है। इसकी माँ भी सेम है। अच्छा, सेम ही है। सेम है इसकी माँ, बाप का इसमें कम रोल है, इसकी माँ ज्यादा है। अच्छा अच्छा, मतलब इसकी माँ जो है, आपको कभी मौका लगेगा दिखाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर देखेंगे। बाकी तो काफी, जैसे राजस्थान के मेरे जितने भी बड़े ब्रीडर हैं सबने देखी है, सबने शो में उसको जज किया है। बिल्कुल बिल्कुल, और इस सारंगखेड़ा में सभी लोग जानते हैं। बिल्कुल सही। क्या एज बताई इसकी अभी? ये 19 महीने का। 19 महीने का अभी, 61.5 है। मिल्क टीथ में होगा ये? मिल्क टीथ में अभी, मिल्क टीथ में अभी, और ये 11 महीने मिल्क टीथ में रहेगा। 29-30 महीने में दांत दो निकाल देगा। बिल्कुल बिल्कुल, बस 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 सही है, बस 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 बेटा घर है सर, बाकी सब यहाँ पे ये बाप और बेटे लेके आए हो दोनों। ये तो दो इसके बेटे हैं और एक दो बेटे और एक बाप, बाप है, एक बाकी बाप दो, एक बच्ची है और बच्चा। अच्छा, राजदीप की बच्ची और एक मेरे पास में करण की घोड़ी है, उसकी माँ, वो दोनों आने वाली गाड़ी गई है। अच्छा अच्छा, तो अंकल आपके बहुत ही खूबसूरत आपने घोड़े मेरे को दिखाए और इसके दोनों जो रिजल्ट है बेहतरीन रिजल्ट है। हाँ जी हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत है और आप
अच्छा, आप द्वारा जानना चाहूंगा हमारे जो नए व्यूवर्स है, हाँ, जो घोड़ा मार्केट में नया जुड़ना चाहते हैं, जी, आप एक सीनियर पर्सन हो और काफी टाइम हो गया आपको, जी, तो जो नए बंदे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि वो अगर मेले में आए या कोई अश्व खरीदे जी, तो उनको कैसा अश्व लेना चाहिए, हाँ जी, या उसमें क्या देखना चाहिए, हाँ जी, हाँ जी, वो चीज़ें मैं आप द्वारा जानना चाहूँगा। देखिए श्रवण भाई, मैं हर साल यहाँ पे 5-10 लोग मेरे समझ से जानवर ले जाते हैं, ओके, लेकिन मैं उनको कभी भी महंगा जानवर लेने की सलाह नहीं देता हूँ। बिल्कुल, नए व्यूवर्स को मेरा ये कहना है कि वो लोग अननोन जानवर, अच्छा, देशी जानवर जो अपने दिल को भा जाए। बिल्कुल, वो बच्चा अपने यहाँ सारनखेड़ा में 30-40-50 हज़ार में मिल जाता है, अच्छे से अच्छा, बिल्कुल, उसको खरीदें, 2 साल उसको रखें, और जब वो उस घोड़े को रखेंगे तो फिर उनको धीरे धीरे फेसबुक, व्हाट्सएप और आपके वीडियोस के माध्यम से थोड़ा नॉलेज होगा। बिल्कुल, और धीरे धीरे जब वो परिपक्व हो जाएंगे तो फिर 5-10 लाख जो भी उनकी क्षमता है, बिल्कुल, वो खर्च करें, वो खर्च करें। आज अगर करते हैं, आज अगर करते हैं और किसी ने उनको धोखा दे के कोई जानवर दे दिया, बिल्कुल, तो उनको बड़ा नुकसान होगा और उनका मन टूट जाएगा, मन टूट जाएगा। अभी आपके आने के कुछ देर पहले ही 6-7 लोग हमारे एरिया के जो बच्चा लेने आए थे, मैंने उनसे कहा है कि आप वो व्यापारियों के वहाँ जाओ, और जो बच्चा आपको पसंद आ जाए, अगर आपको मेरी मदद लगेगी, बिल्कुल, तो मैं देखने आ जाऊंगा। बिल्कुल सही है। और इसी तरह कल हमने हमारे गाँव के पास में 16 किलोमीटर पे पूरा है, वहाँ के 2 काश्तकारों को 2 बच्चे, 1 बच्चा 1 घोड़ी दिलवाई। अच्छा, यही मेले से? यही से, 30 हज़ार में बच्चा और 95 हज़ार में घोड़ी। अच्छा अच्छा, तो मेरे नए व्यूवर्स के लिए तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई आप एकदम से बड़ा खर्च मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से जो है एकदम से ब्रीडर मत बनो। बिल्कुल, पहले सीखो, पहले सीखना पड़ेगा, पहले सीखो, क्योंकि मैंने भी कई तरह से लोगों से सीखा है, और मैं अपने आपको सार्वजनिक रूप से आपको बोल रहा हूँ, मेरे से एज में भले ही सवाई सिंह जी कम होंगे कुछ, लेकिन मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को उन्होंने कई चीजें सिखाई और मैंने उनसे सीखा। देखो, उन जैसा तो आदमी वो तो एकदम घोड़ों में महारथी है साहब, महारथी, और रॉयल पर्सन भी है, रॉयल पर्सन है, और मैंने उनसे काफी कुछ सीखा। बिल्कुल, तो धीरे धीरे सीखने के बाद में फिर आज मैं जो ब्रीडिंग कर रहा हूँ वो मेरे को मन में तसल्ली है। बिल्कुल, और उनके अपन ने सीख के जो काम किया, बिल्कुल, तो अपन धीरे धीरे कामयाब हुए। तो ऐसे समय लगता है, बिल्कुल टाइम लगता है, लेकिन सक्सेसफुल मिलती है। पैसा कमाना उद्देश्य अगर बना लेंगे हम, तो हमारी ना इमेज रहेगी और ना हम हार्स लवर्स रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, इसकी तो सेवा करना उद्देश्य बनाओ, ये आपका नाम रोशन कर देगा। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके, ये है ब्रदर, और बहुत ही मुझे लगता है हमारे जो व्यूवर्स है, जो नए बंदे हैं इसमें जुड़े हैं वीडियो में जी, उनको आपकी बात समझ में आएगी। मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, कभी ज्यादा पैसे का जानवर मत खरीदो, कम से कम कीमत का खरीदो, पालो, रखना सीखो। हाँ, एक दो साल में आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, धीरे धीरे आप लोगों से जुड़ेंगे, आपको अच्छी समझ बनेगी, फिर आप खरीद लेना। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो आपका कहने का मतलब यही है कि अगर कोई नया बंदा है तो उसको मंडी में आना चाहिए। मंडी में आके जहाँ भी, पुष्कर मंडी में ले लो, यहाँ ले लो, बालोतरा मंडी में ले लो, जो बड़ी मंडी है वहाँ से एकदम सस्ता जानवर, सस्ता जानवर फर्स्ट टाइम में अगर आप ले रहे हो, फर्स्ट टाइम ले रहे हो, बिल्कुल, और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप महंगा ले सकते हो, 10 लाख का बच्चा लो, 5 लाख का बच्चा लो, बिना एक्सपीरियंस वाले के लिए तो यही है कि आप छोटा बच्चा कोई भी ले लो या घोड़े ले लो। धोखा खा रहे हैं वो एक्सपीरियंस की कमी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल सही भैया, अगर आपको तजुर्बा है तो कौन आपको बेवकूफ बना लेगा? कोई नहीं बनाएगा। लेकिन जब आपको है ही नहीं और फिर आप बोल रहे हैं कि यार मेरे को चूतिया बना दिया, बेवकूफ बना दिया, मुझे ठग लिया, बिल्कुल, तो भाई आप ठगने के लिए तो बाजार में खुद गए मेरे भाई, खुद गए, सही बात है, तो दुनिया कहाँ छोड़ने वाली है। और जो तो हम हर एक वीडियो में सतर्क भी करते हैं लोगों को, आप लोग काफी, मैं सुनता हूँ आपके वीडियो, देखता हूँ, काफी लोगों को आप समझाते हैं, और सभी लोग अपने अपने हिसाब से समझाते हैं, लेकिन मेरा जो था मैंने आपको बता दिया। बिल्कुल नहीं, आपका देखो हमसे आपसे ये क्वेश्चन करना जरूरी था जी, कि आप देखो पुराने ब्रीडर हो घोड़ा मार्केट में, आपकी पूरी उम्र हो गई है जी भाई साहब, अगर आप हमारी बात कम समझते हैं लेकिन आपकी बात ज्यादा समझेंगे मेरे ख्याल से। अभी कुछ देर पहले ही 10 लोग करीब आए हैं बच्चे लेने, और सबको मैंने व्यापारियों के यहाँ, यूपी के जो भाई लाते हैं व्यापारी, वो उनका भी रोजगार है, 30-40 हज़ार में बच्चा बेच देते हैं, सही है सही है, 5-10 हज़ार जो भी मिलता है वो अपना गुजारा करते हैं, बिल्कुल भाई उनसे खरीद लो। सही, थैंक यू जी अंकल, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमने। एक बार आपके कांटेक्ट नंबर बता दीजिए। मेरा 9 9 4 2 5 0 8 8 5 0 थैंक यू सर।